COP28 क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर देशों पर निशाना साधा है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए गए कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि 2028 की क्लाइमेट समिट यानी कि COP 2033 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत में इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया गया है। 17% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर ट्रिलियन डॉलर तक करना चाहिए। भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। फ्रेंड्स, आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है।